हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कोशिकाओं के मूल घटक, यानी जितने भी कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर, उस सब के बारे में फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके पार्ट वन एंड पार्ट टू को जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट वन में मैं कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हूँ, जो बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। और सेकेंड पार्ट में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताई हूँ। और ये थर्ड पार्ट है जिसमें कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उन सब के बारे में मैं फुल डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि कोशिका जो है हमारी शरीर की, जीवधारियों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार ईंटों से मिलकर दीवार की रचना होती है और विभिन्न दीवार बनकर एक कमरे का निर्माण करते हैं और विभिन्न कमरों से एक मकान बन जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाओं के जुड़ने से, यानी समान कार्य समान संरचना वाले कोशिकाएं के समूह को ऊतक कहते हैं। और विभिन्न ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है और विभिन्न अंगों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसीलिए कोशिका जो है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ उसी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग, छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में चलिए जानते हैं। दोस्तों, कोशिकाओं के मूल घटक में सबसे पहले हम बात करेंगे जैव द्रव्य की, यानी जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों, जैव द्रव्य की खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने किया था, बट इसका नाम परकिंजी ने दिया। इसे जीवन का आधार थॉमस हक्सले ने बोला। एंड जीव द्रव्य का मत विलियम सुल्ज ने दिया। हम जानते हैं ये जैव द्रव्य है क्या। दोस्तों, ये जैव द्रव्य जो है जीवन की भौतिक इकाई है। यदि ये नहीं होगा तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये जैव द्रव्य जो है विशेष प्रकार का चिपचिपा द्रव है, जो पूरी कोशिका के बीच में भरा रहता है द्रव के रूप में, जो पूरी कोशिका के अंदर द्रव के रूप में चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। और उन्हीं में बहुत सारे कोशिकांग, सभी कोशिकांग जो है कोशिका के अंग निहित होते हैं, इसी को जैव द्रव्य बोलते हैं। इसमें पानी प्रोटीन का अनुपात 3:1 का मिश्रण होता है। इसमें जल 80% पाया जाता है, यानी एक पूरा का पूरा द्रव होता है जिसमें 80% जल पाया जाता है। 1% अगर जल की कमी हो जाए कोशिका जैव द्रव्य में तो प्यास लगती है। एंड 10% की यदि कमी हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यह एक जीवित पदार्थों का, हजारों जीवाणुओं का जटिल संगठनात्मक ढांचा है, ठीक है। इसीलिए इसको जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि जैव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो पूरी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे जैव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर चिपचिपा द्रव भरा है और उसी द्रव में विभिन्न सारे छोटे छोटे अंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो कोशिका के अंदर सभी कोशिकांगों का निर्माण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सभी कोशिका के अंदर सभी कोशिकांगों का निर्माण किस में होता है, तो जैव द्रव्य में होता है। इस जैव द्रव्य
यानी प्रोटोप्लाज्म की बनावट दो तरह से होती है, एक अकार्बनिक पदार्थों से एंड दूसरा कार्बनिक पदार्थों से। अकार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम ये सभी आते हैं जो इसका 3 से 4% भाग बनाता है। एंड दूसरा कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक पदार्थ, ये यौगिक पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जल आदि। ये जो है ये सभी पोषाहार जो कार्बनिक यौगिक पदार्थ हैं ये भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों एक जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, एक कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं एंड एक केंद्रक द्रव्य जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है वही जब केंद्रक में उपस्थित होता है, जब केंद्रक में होता है तो उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं एंड जब केंद्रक के बाहर होता है तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यानी उसी जैव द्रव्य को कंफ्यूज थोड़ा भी मत होइए, मतलब उसी जैव द्रव्य को कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, जैव द्रव्य जब केंद्रक केंद्र होता है तो उसे केंद्रक द्रव्य बोला जाता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड जब ए केंद्रक के यानी न्यूक्लियस के बाहर होता है तो उसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म बोला जाता है। यदि यही पूरी कोशिका के अंदर है तो इसे जैव द्रव्य बोला जाएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य जो है कोशिका झिल्ली तथा केंद्र बिंदु के बीच स्थित है। तो केंद्र बिंदु के बाहर जितने द्रव भरा रहता है उसे केंद्र बिंदु के बाहर और कोशिका झिल्ली जो कोशिका को ढके रहती है चारों तरफ से उसके अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में कोशिका झिल्ली तथा केंद्र बिंदु न्यूक्लियस के बीच स्थित होता है। और इस टाइप से भी पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली तथा केंद्र बिंदु के बीच उपस्थित पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के पाइरूविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। जबकि क्रिप्स चक्र जो होता है साइट्रिक एसिड चक्र वो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। तो ये है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। तो और केंद्रक द्रव्य जो है केंद्रक के अंदर होता है। तो एक कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाता है। आई होप कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एंड जीव द्रव्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्लियां यानी सेल मेम्ब्रेन्स जिसे बोलते हैं। और दोस्तों इसको प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आदि भी बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन्स के अलावा प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी बोल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों ये कोशिका झिल्ली जो होता है वो कोशिका को चारों तरफ से ढकी रहती है जो अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, जो भीतरी पदार्थों से पदार्थ जो कोशिका के अंदर पदार्थ होते हैं उन सबको बाहरी पर्यावरण से एक कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन्स अलग करती है। और ये सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है संप्रेषक का कार्य करती है यानी संदेश पहुंचाने का काम करती है। मतलब जैसे ही कोशिका झिल्ली को रासायनिक संदेश पहुंचता है वैसे ही कोशिका झिल्ली उस संदेश को कोशिकाओं को पहुंचा देते हैं। और ये कोशिका झिल्ली पहचान का कार्य भी करती है यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कोशिकाओं का अंतर
कायिक पहचान करती हैं और कोशिकांगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा भी करती है। कोशिका झिल्ली यानी एक झिल्ली के रूप में चारों तरफ से आवरण बनाती है कोशिका झिल्लियां, ठीक है। और यह फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की। और कोशिका झिल्लियां जो है रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित भी करती हैं और रक्त से भोजन के पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और त्याज पदार्थ CO2 को बाहर निकालने का काम भी ये करती है, यानी एक चलनी के रूप में काम करती हैं। कुछ पदार्थों को जैसे जल हो गया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 इसके अर्ध पारगम्य यानी अर्ध पारगम्य जो झिल्ली कोशिका झिल्ली है इसके आर पार जा सकता है, यानी कोशिका झिल्ली के आर पार कौन जा सकता है, कुछ ही पदार्थ है जैसे कि जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 आदि इसके आर पार जा सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कोशिका झिल्ली से वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है, ठीक है। और संप्रेषक का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। पहचान का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये सब चीज ध्यान में रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑर्गेनल्स। कोशिका के अंदर हजारों छोटे छोटे अंग होती हैं, उन्हीं को ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। जो दोहरी झिल्ली, एकहरी झिल्ली, अझिल्ली विहीन होती है। दोहरी झिल्ली वाली कोशिका होती है माइटोकांड्रिया एंड लवक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है कि माइटोकांड्रिया एकहरी झिल्ली वाली है या दोहरी झिल्ली, तो ये दोहरी झिल्ली वाली है। एंड एकहरी झिल्ली में गॉल्जी का है, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रक्तिका और लाइसोसोम, ये एकहरी झिल्ली वाली है। और झिल्ली विहीन यानी जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम झिल्ली विहीन होती है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है माइटोकांड्रिया जिसे सूत्र कणिका भी बोलते हैं। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने 1886 में किया था और ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होती है जिसमें बाह्य झिल्ली एंड आंतरिक झिल्ली होती है। बाह्य झिल्ली जो है चिकनी होती है और आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा होती है जिसे क्रिस्टी बोला जाता है। दोस्तों माइटोकांड्रिया में अनेक तहें पाई जाती हैं जिनमें अनेक एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स कोशिकी शोषण यानी वायवीय शोषण के फलस्वरूप भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कोशिकी शोषण यानी वायु शोषण के फलस्वरूप भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस ऊर्जा को किस रूप में वो स्टोर करके रखता है, ATP को, यानी माइटोकांड्रिया जो है ATP यानी ऊर्जा को, जो ATP यानी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, को उस स्थान पर स्थानांतरित करते हैं जहां उसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों यहां पर कैटाबोलिज्म का भी कार्य होता है। कैटाबोलिज्म यानी जैसे कि जब ऊर्जा को संचित करके रखा जाता है उसी को कैटाबोलिज्म कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल स्वरूप जैसे ग्लूकोज को यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है उसको कैटाबोलिज्म कहेंगे। और एक होता है मेटाबोलिज्म यानी जब वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है तो उसको कैटाबोलिज्म बोलेंगे, यानी जब शरीर को आवश्यकता होगी तो उस समय वो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको ऊर्जा देता है, उसको मेटाबोलिज्म बोला जाता है। तो यहाँ कैटाबोलिज्म यानी माइटोकांड्रिया में कैटाबोलिज्म यानी ऊर्जा को ATP के रूप में ये अपने पास रखता है। जब इसको आवश्यकता होती है शरीर को तो जहाँ आवश्यकता होती है वहां पे उसकी पूर्ति करता है। और DNA और राइबोसोम के बीच को जोड़ने का काम भी ये करता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में ये नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, श्वसन के फलस्वरूप यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है, यानी जब हम श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ चला जाता है, कोशिका में चला जाता है। यहाँ पे कोशिकी शोषण या आंतरिक शोषण होता है, तो कोशिका में
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करके चला जाता है और माइटोकांड्रिया को दे देता है। और माइटोकांड्रिया जो है ऑक्सीजन, माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन जा करके एक साइकिल चलाता है और वो एक चेन रिएक्शन करता है जिसकी खोज क्रिप्स नामक विद्वान ने किया है, उसी के नाम पर इसका नाम क्रिप्स चक्र पड़ा है। तो एक क्रिप्स साइकिल चलाता है जिसके फलस्वरूप उसने 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और एक ग्लूकोज का निर्माण करती है और एक ग्लूकोज में ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन बने हैं माइटोकांड्रिया से कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। और क्रिप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकांड्रिया में। एंड कोशिकीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकांड्रिया में। कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप क्या करता है, भोजन को ऊर्जा के रूप में यानी एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। एटीपी जो है हमारे मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। जैसा कि माइटोकांड्रिया के सभी मुख्य मुख्य जो एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में मैंने बताया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि क्रिप्स चक्र जो है माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, उसके फलस्वरूप 38 एटीपी निर्माण होता है। एंड ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, जैसे पीछे सेशन में मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और क्रिप्स चक्र माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट है गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडीज। इसकी खोज केमिनो गोल्जी ने किया था 1898 में, ठीक है। और ये जो है नाभिक के निकट चौड़ी झिल्लियों की थैलियों के भंडार से निर्मित होती है। कहाँ पे, नाभिक के निकट। और ये थैलियां जो है कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को क्या करती है, संचारित करती है, यानी प्रोटीन को संचित करने का काम ये करती है। एंड एंजाइम इसमें होते हैं सांद्रित रूप में जो क्या करते हैं, पाचन के लिए अपेक्षित होते हैं। देखो एंजाइम्स गोल्जिका में भी पाया जाता है और माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया के एंजाइम्स जो होते हैं वो श्वसन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए कार्य करते हैं और उससे उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, भोजन को। लेकिन गोल्जिका में जो एंजाइम्स होते हैं वो पाचन के लिए अपेक्षित होते हैं, ठीक है। और परिवहन का कार्य भी ये करता है, तो गोल्जिका परिवहन का कार्य करता है, यानी कि जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत होती है वहां से प्रोटीन को उठाकर जिस अंग को ज्यादा जरूरत होती है उसको दे देता है। यदि हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो हमारे अन्य अंगों से तो कर रहे हैं तो हमारे हाथ को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी, ठीक है। तो हमारे अन्य अंगों से जहाँ कम आवश्यकता है प्रोटीन की वहां से उठा करके हमारे हाथ को देगा, तो ये एक प्रकार से परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। अव्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है और पूरी बॉडी को बैलेंस में रखने का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इसकी खोज तो केमिनो गोल्जी ने की थी, क्वेश्चन बन ही जाता है। बट प्रोटीन को संचित कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि परिवहन का कार्य कौन करता है कोशिका में, तो गोल्जी काय करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ प्रोटीन से रिलेटेड दो तीन टॉपिक है जिसको मैं बता रही हूँ, जैसे कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, प्रोटीन को संचित परिवहन का कार्य गोल्जी काय करता है, एंड लाइसोसोम प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, जिसकी खोज क्रिस्टियन ड्यूवे ने किया था, और यह झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैलियां है जिसमें पाचक एंजाइम्स भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, पाचक एंजाइम्स, जो क्या करते हैं, प्रोटीन वसा यानी लिपिड्स को तोड़ने का काम करता है, यानी पचाने का काम करता है। वसा का रासायनिक नाम लिपिड्स होता है, ठीक है। तो ये जो पाचक एंजाइम्स इसमें भरे होते हैं, ठीक है, तो जो पाचक एंजाइम्स इसमें भरे होते हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, यानी पचाने का काम करता है। इसीलिए इसको कोशिका का पाचन बैग कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि कोशिका का पाचन बैग किसे कहा जाता है, यानी डाइजेस्टिव बैग, बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को,
क्योंकि ये लिपिड्स और प्रोटीन को तोड़ता है यानी उसको पचाता है, इसे पाचक एंजाइम्स होते हैं इसलिए, ठीक है। एंड ये लाइसोसोम क्या करता है, ये पचाता है यानी प्रोटीन वसा को तोड़ता है, इसलिए जब कोई सूक्ष्म जीव कोशिका में प्रवेश करता है तो इन्हीं पाचक एंजाइम्स जो होता है, इन पाचक एंजाइम्स के कारण क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो एक प्रकार से ये सफाई करने का काम लाइसोसोम करता है, ठीक है। और जो इसमें इसमें बहुत सारे जल अपघटक एंजाइम्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, मृत कोशिका को नष्ट कर देते हैं। यदि कहे कि कोशिका नष्ट हो गई है तो उसको मृत कोशिका हो गई है तो उसको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे कोशिकांग जो है, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग अपना काम नहीं कर रहे हैं उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, उस कोशिकांगों को नष्ट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि पूरी कोशिका ही को ही वो नष्ट कर देता है। तो अगर पूरी कोशिका को, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कुछ कंडीशन में पूरी कोशिका को नष्ट करता है, जब पूरी कोशिका ही अनुपयोगी हो गई हो, कहने का तात्पर्य है कि जब कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो एक क्या करता है, लाइसोसोम उन कोशिकांगों को नष्ट कर देता है। तो यहाँ एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे कहीं पे चोट लगती है, वहां की कोशिका मृत हो जाती है, तो उस कोशिका को ये जल अपघटक एंजाइम्स लाइसोसोम्स के उसको नष्ट कर देती है। तो ये बैक्टीरिया को भी मारता है, मृत कोशिका को भी नष्ट करता है, कोशिकांग जो काम नहीं करते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम जो है खुद फटकर पाचक एंजाइम्स यानी जल अपघटक एंजाइम्स को मुक्त कर देता है और जिससे पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। अब पूरी कोशिका का मतलब यहाँ पे पूरे शरीर की कोशिका नहीं है, यानी जहाँ की कोशिका खराब हो जाती है वहां की पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए वह कहां मरता है, कहां जाके नष्ट होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में। इसलिए स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है लाइसोसोम से, कि कोशिका का पाचन बैग एंड डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, एंड आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम्स को कहते हैं। और इसमें किसमें पाचक एंजाइम्स एवं जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम में। एक और है कि इसको एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी कोशिका का एटम बम भी इसको बोला जाता है। तो इसको कोशिका का पाचन बैग यानी डाइजेस्टिव बैग, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग एंड एटम बम, कोशिका का एटम बम इसको बोला जाता है। एंड इसमें पाचक एंजाइम्स एवं जल अवघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज बोवरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक गोलाकार तत्व नाभिक के निकट होता है। ये क्या करता है कि जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के समय बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता है सेंट्रोसोम। यानी ये क्या करता है कि गॉल्जी बॉडी से प्रोटीन लेकर, सेंट्रोसोम जो है गॉल्जी बॉडी यानी गॉल्जी काय से प्रोटीन लेकर कोशिका का विभाजन करता है, यानी एक का काम करता है कोशिका के विभाजन का कार्य करता है। तो इसमें एक पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोशिका का विभाजन का कार्य कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। दोस्तों एक बात है कि कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, ब्रेन में। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। एक बार यदि उसमें का कोशिका नष्ट हो गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि कैंसर कैसे होता है, जब किसी भी जगह
पे अनकंट्रोल यानी बहुत तेजी से कोशिका का विभाजन हो जाता है उसी को कैंसर बोलते हैं। और जब हमारे ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन है उसमें भी कैंसर हो जाता है यानी ब्रेन कैंसर, तो कैसे होता है? यहाँ तो जान लिए कि ब्रेन में कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, उसमें सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो कैसे ब्रेन कैंसर होता है? तो इसको चलिए जानते हैं। तो ब्रेन के न्यूरॉन में यानी ब्रेन में हमारे 90% न्यूरॉन होता है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, एंड 10% ग्लियल सेल होती है जिसमें सेंट्रोसोम होता है। तो उसी ग्लियल सेल में जब अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा कोशिका का विभाजन हो जाता है तो उसे ब्रेन कैंसर हो जाता है, तो इसी को ब्रेन कैंसर बोला जाता है। तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। किसमें विभाजन नहीं होता है? ब्रेन की कोशिका में। सबसे ज़्यादा विभाजन किसमें होता है? यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट है राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है प्रत्येक कोशिका में हजारों राइबोसोम पाए जाते हैं जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर बिंदुओं के आकार की तरह होती है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो नलिकाएं पाई जाती है, एक खुरदुरी यानी रफ साइड, एक चिकनी यानी स्मूथ साइड होता है। जो रफ साइड यानी खुरदुरी नलिका होती है उसी में बहुत सारे बिंदुओं के आकार के छोटे छोटे राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो छोटे छोटे बिंदु के आकार के होते हैं, उन्हीं को राइबोसोम बोला जाता है। ये राइबोसोम जो है समस्त साइटोप्लाज्म यानी समस्त कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं, समस्त कोशिका द्रव्य की सतह में ये फैले रहते हैं बिंदु के आकार में, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन को बनाने का काम करती है, यानी एक आणविक मशीन के रूप में कार्य करती है जो प्रोटीन को बनाती है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो राइबोसोम है उसको आकार को बताने के लिए सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर इसको आकार को पता लगाया जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S यानी छोटा होता है और 80S यानी ये बड़ा होता है, ठीक है। तो जो उसमें एक यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसमें 80S प्रकार का, जैसे हम मानव हैं, हमारे हम मानव में मनुष्यों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम यानी छोटा पाया जाता है, उसमें बड़ा पाया जाता है, ठीक है। और पैंक्रियाज में यानी आग्नाशय में सबसे ज्यादा राइबोसोम पाया जाता है जिसमें पाचक एंजाइम्स इंसुलिन का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार राइबोसोम से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदुरी सतह पर बिंदु के आकार के पाया जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में कितने इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का। तो यही इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन है जो राइबोसोम से बनते हैं और अक्सर हमेशा आते भी रहते हैं। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में ER भी कहा जाता है। कभी कभी यह एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और यह कोशिका द्रव के अंदर दोहरी परत वाली नलिकाएं होती हैं, यानी कोशिका द्रव के अंदर जो है नाभिक के पास होती है, नाभिक से सटी हुई होती है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दोहरी परत वाली दो नलिकाओं से युक्त होती है। तो एक नलिका खुरदरी होती है जिसे रफ साइड बोलते हैं और चिकनी नलिका होती है एक जिसे स्मूथ साइड बोलते हैं। तो जो खुरदरी नलिका होती है रफ साइड जो होती है उसी पर बिंदु के आकार के बहुत सारे राइबोसोम चिपके रहते हैं, ठीक है। तो जो खुरदरी नलिका होती है ये प्रोटीन तथा दूसरे पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है, एंड चिकनी नलिका जो होती है वसा के कार्य को संचालित करती है,
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य यही बात है कि जो इसकी खुरदरी नलिका होती है क्या कार्य करती है, चिकनी नलिका क्या कार्य करती है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिकनी या खुरदरी नलिका किससे संबंधित है, तो अंतःपद्मीय जालिका से। नेक्स्ट है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जो कोशिका के सबसे केंद्र में होता है, और जो केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। दोस्तों ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग हमेशा गलती करते हैं, हमेशा पूछा जाता है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, तो ये कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है डीएनए अणुओं के भीतर अनुवांशिक सूचना को संग्रहित करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जाता है कि अनुवांशिक सूचना को संग्रहित करके कौन रखता है, केंद्रक रखता है, तो कितने किसमें रखता है, डीएनए अणुओं के भीतर। तो अनुवांशिक सूचना संग्रहित किन अणुओं के भीतर होता है, तो डीएनए के भीतर। ठीक है, ये हमारे अनुवांशिक का वाहक भी होता है। माइक्रोस्कोपिक रूप से यदि केंद्रक को देखा जाए तो केंद्रक में दो भाग होते हैं, एक केंद्रक झिल्ली और एक केंद्रक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली यानी जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए है, जैसे कोशिका को चारों तरफ से जो झिल्ली घेरी रहती है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह केंद्रक को या न्यूक्लियस को जो चारों तरफ से झिल्ली घेरे रहती है उसको केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ठीक है, एक केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक, और जो केंद्रक द्रव्य होता है यानी केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कोशिका के पूरी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको जैव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसी केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमोटीन जालिका होती है। ठीक है, एक क्रोमोटीन जालिका जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि क्रोमोटीन किससे बना होता है, क्रोमोटीन जालिका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और ये क्रोमोटीन जालिका जो है केंद्रक द्रव्य के अंदर बारीक धागों का एक जाल जैसी संरचना होती है, और यही क्रोमोटीन जालिका जो है नई कोशिका के विभाजन के दौरान लंबे सूत्रों में बदल जाती है। और यही क्रोमोटीन जब लंबे सूत्रों में कुंडलित हो जाती है, लंबे सूत्रों में बदल जाती है, तो इसी लंबे सूत्र को हम गुणसूत्र कहते हैं यानी क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसी केंद्रक द्रव्य में दो भाग होते हैं, एक गुणसूत्र एक न्यूक्लियोली जिसे नाभिकीय बोलते हैं, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है जिसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, न्यूक्लियोली यानी नाभिकीय जिसमें आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो चलो जानते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो केंद्रक द्रव्य में दो होते हैं, जैसे गुणसूत्र हो गया न्यूक्लियोली हो गया, दो भाग होते हैं। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, और न्यूक्लियोली जो नाभिकीय होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। तो चलिए जानते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो कहीं क्रोमोसोम कहीं गुणसूत्र ऐसे पूछेगा तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, लंबे धागों की तरह होता है, यानी जो क्रोमोटीन होता है वही लंबे धागों में कुंडलित हो जाती है, तो वही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहलाता है। तो ये लंबे धागों की तरह होती है, और मनुष्य की कोशिका में ये 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, और यही डीएनए से जीन का निर्माण होता है, और यही जीन क्या होते हैं, हमारे अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, यानी एक व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य एक करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिकता का वाहक कौन है, तो यही जीन है। ठीक है, डीएनए से जीन का निर्माण होता है, और जीन जो है अनुवांशिकता का मूल इकाई होता है। तो इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और मनुष्यों में
कोशिका में तेईस जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़े में पूछे तो तेईस जोड़े, और तेईस जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्रों में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं ये पुरुषों या महिलाओं में एक समान होते हैं, जिसे कायिक या दैहिक अर्थात ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े गुणसूत्र जो पुरुषों महिलाओं में समान होते हैं, उन 22 जोड़े गुणसूत्र को कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और जो 23वां जोड़ी होता है वही लिंग निर्धारण में मदद करता है। ठीक है, 22 जोड़े समान होते हैं जो कायिक गुणसूत्र बोला जाता है ऑटोसोम्स, और 23वां जोड़ी जो होता है वो लिंग निर्धारण में मदद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां भी बन सकता है कि लिंग निर्धारण में कौन सा जोड़ा मदद करता है, तो 23वां जोड़ी जो है लिंग निर्धारण में मदद करता है। तो ये लिंग गुणसूत्र ऑटोसोम कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये पुरुषों में यक्ष और वाई के रूप में होता है एंड महिलाओं में यक्ष यक्ष के रूप में होता है। तो जो पुरुषों में यक्ष वाई के रूप में होता है उसको हेटरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटरोसोम। और महिलाओं में जो यक्ष यक्ष होता है उसे होमोसोम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जब यक्ष और वाई के मिलने से लड़के का और यक्ष यक्ष मिलने से लड़की का जन्म होता है। वाई गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं उसे होलोड्राइस जीन कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताया जा रहा है वो सभी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो वाई गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? होलोड्राइस कहते हैं, होलोड्राइस जीन कहते हैं। ठीक है, अब मनुष्यों में जीन की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में जीन की संख्या 35,000 होती है। ठीक है, और एमियोसेंटेसिस यानी माँ के गर्भ में एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसमें बच्चा सुरक्षित रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एमियोसिंथेसिस। ठीक है, अर्थात यदि बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारी होती है तो कैसे पता लगाया जाता है? तो इसी पदार्थ के द्वारा पता लगाया जाता है। किस पदार्थ के द्वारा? एमियोसिंथेसिस से। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि यदि बच्चों में कोई अनुवांशिक बीमारी होती है तो उसे किस पदार्थ के द्वारा पता लगाया जाता है? तो एमियोसिंथेसिस के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, और इसी पदार्थ के द्वारा पता लगाया जाता है, इसकी जांच को क्या बोला जाता है? AFT यानी एमिपोसिंथेसिस। ठीक है, इसकी जांच को एमिपोसिंथेसिस फ्लू टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसकी जांच को एमिपोसिंथेसिस फ्लू टेस्ट कहा जाता है। दूसरा है न्यूक्लियोल यानी नाभिकीय। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। एक गुणसूत्र यानी एक विशेष गुणसूत्र क्रोमोसोम के कुछ स्थानों पर आकार बनाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम को बनाने में ये सहायक होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जबकि डीएनए जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है सिलिया तथा फ्लैजेला। एक जो है कोशिका को धकेलने या खींचने का काम करती है, जो तरल पर्यावरण के बीच में उस तरल पदार्थ को परिचालित करती है। ठीक है, तो पहला है फ्लैजेला। जो फ्लैजेला होता है वो पतले कोड़े की तरह संश्लिष्ट वस्तु होता है जो कोशिका को धकेलती अथवा खींचती है, जो तरल पर्यावरण के बीच में उस तरल पदार्थ को परिचालित करती है, यानी किसी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है धकेलने और खींचने की प्रक्रिया से, जो कोशिका के इर्द गिर्द रहता है, ये जो फ्लैजेला होता है। ठीक है, और जो सीलिया होता है मानव की श्वास नलिका में होता है, जो छोटे छोटे ब्रूस्ट के आकार जैसा होता है ये। ठीक है, मानव की श्वास नलिका में होता है तथा उस श्लेष्मा को धकेलते हैं जिनमें वाह कण फंस गए हों, उन्हें कोमल फेफड़ों के तंतुओं में जाने से रोकते हैं, जो ब्रश के आकार के होते हैं
और ये जो होते हैं जिसमें जो भी उसमें वाह कर फंसता है उसको अंदर नहीं जाने देता है। ये तो हमारे कोमल तंत्रों की या श्वास नलिका की फेफड़ों की ये सुरक्षा करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कोशिका के अंदर सभी कोशिकांगों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों इस कोशिका के वीडियो में जितने भी कोशिकांग हैं जिसका अध्ययन इस वीडियो में मैंने कराया बताया है, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जिसका आप जवाब न दे पाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को कोशिका से रिलेटेड देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार भी यदि समझ में ना आए तो 3 से 4 बार इस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद आपको जीवन में कभी भी कोशिका के क्वेश्चन के लिए कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।